गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए 10th क्लास के रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है, 10th क्लास के मैथ के रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है, क्योंकि आप लोगों की सेट एग्जाम है 1 अगस्त से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, यानी कि आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण की अगर बात की जाए, ये द्विघात समीकरण चीज क्या है हमारे पास में, आप लोग जानते हो क्योंकि आपने स्कूल के अंदर पढ़ा होगा, कोई भी इस तरीके की समीकरण ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यानी कि ये आपकी द्विघात समीकरण कहलाएगी। भाई क्यों कहलाएगी द्विघात समीकरण, क्योंकि आप जानते हो सर, इसमें जो चर है हमारा एक्स, उसकी अधिकतम घात कितनी है बच्चे, 2 है, ठीक है। और आप इसमें कहोगे कि सर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये हमारा द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। सर सर इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। ए की वैल्यू कभी क्या नहीं हो सकती बच्चे, जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो बनेगा हमारे पास में जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। और आप जानते हो कि जीरो की गुणा किसी के साथ भी करो जीरो हो जाता है, तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। और फिर हमारे पास में चर की अधिकतम घात 2 नहीं होगी बच्चे, कितनी हो जाएगी, 1। और फिर हम इसको क्या नहीं बोल सकते, फिर हम इसको सर द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते, ठीक है बच्चे। यानी कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो और उसमें ए की वैल्यू कभी जीरो ना हो। अब आपका मन कर रहा होगा क्या सर बी जीरो हो सकता है, बिल्कुल बी जीरो हो सकता है। क्या सर सी जीरो हो सकता है, बिल्कुल सी जीरो हो सकता है। बट एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब देखो, सबसे पहला एक्सरसाइज आपके 4.1 है। सबसे पहले एक्सरसाइज कौन सी बच्चे, 4.1, और उसके अंदर आपसे यही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताइए इनमें से जो नीचे लिखी गई कुछ सवाल है। देखो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, जो नीचे दिए गए क्या ये द्विघात समीकरण है भी या फिर द्विघात समीकरण नहीं है। तो बच्चे एक बार एग्जाम्पल्स हम लोग इसको देखेंगे, धीरे धीरे सोल्व करके सीख जाएंगे। जैसे कि आप लोग देखिए, इस सवाल को हम कहीं और ले चलते हैं और वहां पर हल करते हैं। आप सभी बच्चे एक बार हमें बताओगे कि क्या आप सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है अच्छे से, या आप माइक ओपन करके बता सकते हो जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए सभी को स्क्रीन एकदम सही दिखाई दे रही है। एक बच्ची बोल रही है चैट सेक्शन के, सर आपकी आवाज बीच बीच में क्यों रुक जा रही है। बच्चे आवाज का तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि बाकी सब बच्चे तो कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहे। आप एक बार क्लास को कट करके रिज्वाइन कर सकते हो, बाकी आवाज में तो शायद कोई प्रॉब्लम। बच्चे से पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। बच्चे हमें जांच करनी, हम देखो एग्जाम्पल उठा लेते हैं रैंडम, जैसे कि सर हमने दूसरा उठाया, अगर देखा जाए तो सर लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स बराबर सर माइनस के 2 और 3 माइनस एक्स। जब आप इसको हल करोगे बच्चे, आपने कहा सर इधर तो कुछ भी हल होने लायक नहीं है, सर इधर तो इतना ही रहेगा एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स बराबर, सर इसकी गुणा हम इसके अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस टू की गुणा 3 में करोगे, आपने कहा सर माइनस 6 हो जाएगा, माइनस टू की गुणा आप माइनस एक्स में करोगे, आप कहोगे सर प्लस के 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे प्लस के 2x। अब जब आप इसको हल करोगे, आपने कहा सर इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, सर ये माइनस का 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे प्लस का 6, और ये प्लस के 2x इधर होंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 2x बराबर 0। अगर हम इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। और आप जानते हो कि सर अगर हम इसको कंपेयर करें, यानी कि तुलना करें ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो सर इसमें एक्स स्क्वेयर का गुणांक, सर इसके अंदर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चे, एक सेकेंड, आप कहोगे सर इसके अंदर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक सेकेंड बच्चे, हाँ आप कहोगे सर इसके अंदर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, आप कहोगे सर इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, और 1 कभी 0 के बराबर नहीं होता। तो आप कह दोगे सर ये हमारे पास में क्या है, ये द्विघात समीकरण है। इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को, एक बार बताइए क्या इतना क्लियर है बच्चे, माइक ओपन करके बताएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है इतना सही बच्चों, ठीक है इतना क्लियर है। देखिए अगर हम बात करें सवाल नंबर, कौन से के सवाल की बात कर लेते हैं बच्चे, सवाल नंबर 4 की बात करें, सवाल नंबर 4 की बात करें, तो एक बार देख लेते हैं सवाल नंबर 4 को भी, एक बार देख लेते हैं बच्चे सवाल नंबर 4 को भी। देखिए आपने कहा सर इसके अंदर हमें सूत्र याद होने चाहिए कुछ, जैसे 4 के अंदर लिखा है सर x माइनस 3, फिर लिखा हुआ है सर 2x प्लस 1,
इक्वल्स टू लिखा है सर एक्स एक्स प्लस फाइव। बच्चे आप क्या करोगे, एक्स की गुणा टू एक्स में करोगे तो कितना हो गया, आप क्या कर सर टू एक्स स्क्वेयर। सर एक्स की गुणा एक में करेंगे तो कितना हो गया बच्चे प्लस का एक्स। फिर आप कहोगे सर माइनस के तीन की गुणा टू एक्स में करेंगे तो कितना हो गया बच्चे माइनस के सिक्स एक्स। माइनस के तीन की गुणा एक में करेंगे तो बच्चे कितना हो गया माइनस के तीन बराबर। सर इधर गुणा करेंगे तो कितना आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स। सर अब एक काम करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो सर ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वेयर माइनस के फाइव एक्स माइनस के थ्री बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स। अब हम इनको क्या करेंगे बच्चे टू एक्स स्क्वेयर। अब आप कहोगे सर एक्स स्क्वेयर को सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ ले आते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चे माइनस के एक्स स्क्वेयर। लिखा है माइनस के फाइव एक्स, सर इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस के फाइव एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। बच्चे इसको हम आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आगे हल करने पे टू एक्स स्क्वेयर, सॉरी सर टू एक्स स्क्वेयर में से एक्स स्क्वेयर घट गया तो बच्चे बच्चे हमारे पास में एक्स स्क्वेयर माइनस के टेन एक्स माइनस के थ्री बराबर जीरो। इतना क्लियर है? और आप कहोगे सर यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर का गुणांक कितना है बच्चे एक है, तो ये भी हमारे पास में क्या है द्विघात समीकरण, क्योंकि एक कभी जीरो के बराबर नहीं होता। बताइए क्या इतना क्लियर है? आप कहोगे सर ये दूसरा भी हमारा द्विघात समीकरण है और सर ये चौथा भी हमारा द्विघात समीकरण है। बताइए बच्चे क्लियर? यस सर, ठीक यस है, सर। अब हम देख लेते हैं एक तीसरा एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग सिर्फ सूत्रों के ऊपर डिस्कस करेंगे, सवाल के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। बच्चे देखिए तीसरा सवाल, एक एग्जाम्पल ऐसा भी तो हो जो कि द्विघात समीकरण ना हो। जब आप तीसरे एग्जाम्पल को हल करोगे क्या लिखा हुआ है बच्चे, इसमें लिखा हुआ है एक्स माइनस टू, लिखा हुआ है हमारे पास में एक्स प्लस वन बराबर लिखा है एक्स माइनस वन, और फिर लिखा है हमारे पास में एक्स प्लस थ्री। ठीक है बच्चे, कैसे हल करोगे आप इसको? आपने कहा सर इसको हल करेंगे तो सर पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो गया बच्चे एक्स स्क्वेयर। सर एक्स की गुणा प्लस एक में करेंगे तो कितना हो गया बच्चे प्लस के एक्स। कितना हो गया बच्चे प्लस के एक्स। माइनस टू की गुणा एक्स में करेंगे तो कितना हो गया माइनस के टू एक्स। सर माइनस के टू की गुणा प्लस के एक में करेंगे तो सर माइनस के टू हो गया बराबर। सर इधर भी हल कर लेते हैं, एक्स की गुणा एक्स में करेंगे तो कितना हो गया बच्चे एक्स स्क्वेयर। एक्स की गुणा तीन में करेंगे तो बच्चे कितना हो गया प्लस के तीन एक्स। सर माइनस के एक की गुणा एक्स में करेंगे तो कितना हो गया बच्चे माइनस के एक्स। माइनस के एक की गुणा प्लस के तीन में करेंगे तो कितना हो गया माइनस के तीन। और आप यहाँ देखोगे एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ समान चिन्ह का एक्स स्क्वेयर है। अब आप यहाँ पे लिखोगे सर इसको सोल्व करने पर कितना आ गया, सर माइनस के एक्स माइनस के टू बराबर। सर इसको सोल्व करने पर कितना आ गया, सर प्लस के टू एक्स माइनस के थ्री। अब इसको एक तरफ लिख लो, यानी कि आप लिखे सर माइनस के एक्स, सर इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के टू एक्स। सर ये माइनस के टू थे, इधर लेकर आएंगे तो हो जाएंगे प्लस के थ्री बराबर जीरो। सर हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस के थ्री एक्स प्लस के एक बराबर जीरो। और आप कहोगे सर इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म ही नहीं है, तो आप कह दोगे सर ये द्विघात समीकरण नहीं है। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस ठीक है सर। बच्चे, अब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे सवाल के ऊपर, अब हम लोग आगे चलेंगे। आप हमें ये बताइए क्या आपको ये सूत्र आते हैं ना, कि सर यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये सूत्र होता है हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्लियर बच्चे? देखो और एक और सूत्र लिखा है यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना लिखा है बच्चे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चे ये वैल्यू कितनी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी। क्लियर? फिर बच्चे एक सूत्र लिखा है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। बच्चे कितना होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, आप कहोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट के अंदर सर ए प्लस बी। जब इसको सर आगे और सोल्व करते हैं तो आ जाता है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। क्लियर बच्चे? फिर लिखा है ए माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब। बच्चे हमारे पास में ए माइनस बी का क्यूब कितना होगा, आप लिखोगे बच्चे इसको जल्दी से सूत्र लिख लीजिए सभी बच्चे, ए माइनस बी का क्यूब कितना हो जाएगा, आप लिखोगे सर ए क्यूब माइनस बी ए बी और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। जब आप इसको हल करोगे तो आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के थ्री ए स्क्वायर बी प्लस के थ्री ए बी स्क्वायर। क्लियर सभी बच्चों को? बताइए बच्चे क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। देखिए जरा एक बार, सभी बच्चों को समझ में तो आ गया है ना, थोड़ा छोटा कर दे तो दिखाई दे रहा है सभी को? चलिए इतना क्लियर से बच्चों को एक बार बताइए जल्दी से। ठीक यस सर। यस सर। है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 पर।
चलिए सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर ले लिया होगा। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। देखो 4.2 में हम लोगों को क्या चीज दी गई है, हम लोगों को दिया गया है कि गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। अब देखो गुणनखंड विधि बच्चों जिनको आती है ठीक है, जिनको नहीं आती है कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना, एक ही बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और दो बार प्रैक्टिस करना, आप सारे क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाओगे। इतना तो सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए बच्चे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक सवाल लिखा हुआ है, बहुत आसानी से समझेंगे सभी बच्चे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। बच्चे सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, अच्छा इसको एक काम करते हैं, पहले दूसरा सवाल समझने की कोशिश करते हैं तब पहले पढ़ाएंगे। दूसरा सवाल लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। बच्चे आप सबसे पहले इसको कंपेयर करोगे, तुलना करोगे इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। बच्चे a की वैल्यू बताओ कितनी है, आप कहोगे सर a की वैल्यू तो 2 है। बच्चे b की वैल्यू बताओ कितनी है, आप कहोगे सर b की वैल्यू तो 1 है। और बच्चे c की वैल्यू कितनी है, माइनस के 6। क्लियर सभी को ये बताओ पहले। यस सर ठीक है। यस सर बच्चे अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को ये करना है कि सबसे पहले हम a की गुणा c में करेंगे। भाई ये रहा a और इसकी गुणा किस में करेंगे, हम लोग c में करेंगे। जब आपने a की गुणा c में की तो बच्चे कितना आ गया आपके पास में, 12 आ गया। नंबर की गुणा करनी है सिर्फ, माइनस का साइन हमें नहीं देखना है। आपने इस वाले नंबर की गुणा इस वाले नंबर के साथ में की तो कितना आ गया बच्चे, 12 आ गया। अब आप 12 के गुणनखंड करोगे, भाई 1 गुणा 12 कितना होता है बच्चे, 12 होता है। सर 2 गुणा 6 कितना होता है, आपको भी सर 12 होता है। सर 3 गुणा 4 कितना होता है, सर 12 होता है। यानी कि सर ये फैक्टर है 12 के, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि अब रिपीट करेगा सर 1 के टेबल के बाद, 2 के टेबल के, 3 के टेबल के बाद में 4 के टेबल में 12 आता है, और सर वो पहले से लिखा हुआ है 4 के 12। तो बच्चे आप क्या करोगे, अब आप एक काम करोगे, ये बताइए कि सर ये माइनस करने के बाद में 1 कौन से में आ रहा है। देखो सर यहाँ आप माइनस करोगे 11 आएगा, सर आप यहाँ माइनस करोगे 4 आएगा, और सर आप यहाँ माइनस करोगे तो आपका 1 आएगा। बच्चे मिल गया आपके फैक्टर कि आप इनका इस्तेमाल करोगे। क्लियर सभी को, इतना क्लियर है ना भाई। माइनस का साइन बता रहा है हमें सर, ये माइनस का साइन हमें बता रहा है कि माइनस करने के बाद 1 कहां पर आ रहा है। आपने कहा सर माइनस करने के बाद 1 यहां पर आ रहा है, बहुत सिंपल है। अब आप ऐसे लिखो 2x स्क्वायर प्लस, सर प्लस का साइन मेरा ये रहा और सर x मेरा ये रहा, बीच में कितना है 1। 1 कैसे आएगा बच्चे, आप कहोगे सर 1 आएगा 4 में से 3 को माइनस के 6 बराबर 0। यानी कि आपने सिर्फ 1 को लिख दिया 4 माइनस 3। अब आपको पता है x अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे 2x स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर। आपको पता है ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान बदलेंगे नहीं बच्चे, ये रहेगा प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर। अब इन दोनों में बच्चे क्या कॉमन है, आपको सर इन दोनों में तो 2x कॉमन है, आपने 2x कॉमन निकाली तो बच्चा कितना x प्लस 2, कितना बच्चा हमारे पास में x प्लस 2। अब आप कह रहे हो कि सर मुझे यहाँ पर x चाहिए यहाँ पर प्लस 2 चाहिए, सर बीच में तो माइनस का निशान है, अगर बीच में माइनस का निशान है तो माइनस कॉमन निकालो, और बच्चे आपने 3 कॉमन निकाला, बच्चा कितना हमारे पास में x प्लस 2 बराबर 0। अब आप कहोगे सर पूरे समीकरण में x प्लस 2 कॉमन है, बच्चे आपने x प्लस 2 को बाहर निकाल लिया, क्या कर लिया आपने, आपने x प्लस 2 को बाहर निकाल लिया, बच्चे हमारे पास में बचेगा कितना, आप कहोगे सर बचेगा 2x, बचेगा सर माइनस के 3। क्लियर हुआ सभी को, बोलिए बच्चे एक बार। यस सर। यस सर। अब आपको क्या करना था बच्चे, मूल ज्ञात करने थे, क्या ज्ञात करने थे, मूल। बच्चे आपने इसके गुणनखंड तो कर दिए लेकिन पर आपको पता है बच्चे जीरो के बराबर है समीकरण, तो मूल ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, एक बार इसको जीरो के बराबर पुट करोगे, यानी कि x माइनस 2 बराबर 0, आपने कहा सर x का मान 2 आ गया, और एक बार क्या करोगे आप 2x माइनस 3 बराबर 0, बच्चे x का मान कितना आ गया 3/2 आ गया। क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, बहुत कम बच्चे यस सर बोल रहे हैं और चैट सेक्शन में बहुत कम बच्चे लिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं हम लोग आगे चलते हैं। इतना शायद हम उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में जरूर आया होगा। देखिए बच्चे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बताओ इनमें से कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस, बताइए कर लेते हैं 3। यस सर। और एक कर लेते हैं बच्चे 4 भी डिस्कस कर लेते हैं, और जरूरत पड़ी तो 5 भी कर लेते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आप लोगों को लगता है रूट वाले क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, अब हम एक रूट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। क्लियर
पढ़ लीजिए बच्चे एक बार रूट वाले क्वेश्चन को, क्या है ये सवाल, हम लोग नीचे चलते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए बच्चे ध्यान से समझना सही, बच्चे लिखा है रूट टू एक्स स्क्वायर, कितना लिखा है बच्चे रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, फिर लिखा है प्लस फाइव रूट टू बराबर जीरो, क्या यही क्वेश्चन है बच्चे? यस सर। ठीक है, अभी आपने चीज सीखी थी, कैसी की थी सर? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, यानी कि सर अगर इसको तुलना करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो सर हमारे पास में ए की वैल्यू कितनी है रूट टू, बी की वैल्यू कितनी है बच्चे सात, और सी की वैल्यू कितनी है फाइव रूट टू। और आपने कहा था सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की गुणांक सी में करेंगे, तो बच्चे आप जब रूट टू की गुणांक फाइव रूट में करोगे, फाइव रूट टू में, तो कितना आएगा बच्चे रूट टू की गुणांक रूट टू में करा सर टू होता है, और फाइव की गुणा टू में करेंगे तो सर टेन हो जाएगा। इतना क्लियर सभी को? क्या इतना सभी बच्चों क्लियर है कि रूट टू की गुणा अगर आप फाइव रूट टू में करोगे तो टेन आएगा? पहले यहीं पर बताइए सभी बच्चे जल्दी से, हम चैट सेक्शन भी देख रहे हैं और हम माइक में सुन भी रहे हैं, अगर इतना सभी बच्चों क्लियर तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है सॉरी, इतना सभी बच्चों का क्लियर है, इतना सभी बच्चों को क्लियर है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि आपने कहा सर सबसे पहला काम क्या है, हम ए की गुणा सी में करेंगे, और सर जब हमने ए की गुणा सी में की तो हमने क्या पाया कि सर रूट टू की गुणा जब हमने फाइव रूट टू में की तो बच्चे हमारे पास में कितना आ गया दस। सर अब दस के फैक्टर कर लेते हैं, सर एक गुणा दस सर दस होता है, सर दो गुणा पाँच सर दस होता है, अब क्या करें सर, इसके अलावा तीन के पहाड़े में दस नहीं आता, चार के पहाड़े में दस नहीं आता, सर पाँच के पहाड़े में आता है, वो सब लिखा हुआ है। तो बच्चे ये देखो ये प्लस का साइन क्या बता रहा है कि प्लस करने के बाद सात कहां पर आ रहा है, बच्चे प्लस करने के बाद तो सात यहां पर आ रहा है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। यानी कि अब आपको क्या लिखना है, सिर्फ सर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सर सात को हम लिख देंगे पांच प्लस दो, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर दो प्लस पांच, और सर एक्स मेरा ये रहा, सर प्लस का निशान ये रहा, सिर्फ मैंने सात को ब्रेक किया है दो प्लस पांच में, प्लस पांच रूट दो बराबर जीरो। अब आपको बताइए बच्चे x अंदर जाएगा, यानी कि आपने लिखा सर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सर ये हो गया टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव रूट टू बराबर जीरो। अब आप जानते हो सर ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का निशान है तो अंदर का निशान नहीं बदलेंगे, सर ये हो गया हमारे पास में रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव रूट टू बराबर जीरो। अब आप क्या कहोगे बच्चे, अब आप कहोगे सर इस दोनों में से तो x कॉमन है और सर रूट टू और टू में से रूट टू कॉमन है, आपने रूट टू एक्स कॉमन निकाल लिया, तो बच्चे यहाँ पर बचा एक्स प्लस रूट टू। बच्चे हमें यहाँ पर कितना बचाना है, आप कहोगे सर हमें एक्स प्लस रूट टू बचाना है, बच्चे आप फाइव को कॉमन निकाल लो, बच्चे कितना एक्स प्लस रूट टू बराबर जीरो। यानी कि अब हम देख पा रहे हैं कि एक्स प्लस रूट टू हमारा दोनों तरफ है, तो आपने एक्स प्लस रूट टू बाहर निकाल लिया, बचा कितना हमारे पास में रूट टू एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो। और जब आप लोग इसके मूल निकालोगे, बच्चे मूल कैसे निकालोगे, आपने कहा सर एक बार तो इसको जीरो के बराबर पुट कर देंगे, यानी कि एक्स प्लस रूट टू बराबर जीरो, तो सर एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के रूट टू, और सर एक बार रूट टू एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो को पुट करेंगे तो सर हमारे पास में एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे माइनस के फाइव अपॉन रूट। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को, बोलिए बच्चे कहना रिवाइज कर दो सर। बताओ बच्चे कहाँ से रिपीट करना है, जल्दी से बताओ, वहीं से रिपीट कर देंगे, पूरा ही क्वेश्चन रिपीट करना है कि, बोलिए मीरा एक बार बच्चे। यस सर। ठीक है कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए बच्चे आप लोगों से पूछा गया था भाई, क्या पूछा गया था आप लोगों से कि सर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू बराबर जीरो है, तो सर इसके गुणनखंड कीजिए कैसे करेंगे। बच्चे गुणनखंड करने के लिए आपको अभी बताया गया था सबसे पहले आप ए की गुणा सी में करोगे, बच्चे ए कितना है हमारे पास में रूट टू, सी कितना है हमारे पास में फाइव रूट टू। जब आप रूट टू की गुणा फाइव रूट टू में करोगे, बच्चे रूट टू की गुणा जब आपने रूट टू में की तो दो आ गया, दो की गुणा पांच में की तो कितना आ गया बच्चे दस। दस के फैक्टर कितने होते हैं सर, एक गुणा दस हमारा दस होता है सर, दो गुणा पांच भी हमारा दस होता है। अब दस किसी के पहाड़े में नहीं आता,
तो सर हमें ये बताता है माइनस प्लस का निशान कि प्लस करने के बाद सात कहां पर आ रहा है गुणनखंड में। आपने कहा सर सात यहां पर आ रहा है, बस सवाल खत्म हो गया। आप लिखोगे रूट टू एक्स स्क्वायर, सर प्लस का निशान ये रहा, सर मैंने सात को लिख दिया दो प्लस पांच, और सर मेरा एक्स ये रहा प्लस फाइव रूट टू बराबर जीरो। अगर किसी बच्चे को कोई यहां तक डाउट है तो प्लीज वो एक बार माइक ओपन करके यहीं पर पूछ लो, क्योंकि बार बार पूरा सवाल रिपीट करने से अच्छा है कि जहां पर डाउट है वहीं पूछ लो। बताइए मेरा यहां तक सारी चीजें क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है बच्चे, अब आप जानते हो कि सर एक्स अंदर जाएगा, यानी कि रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया सर टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव रूट टू बराबर जीरो। क्या किसी बच्चों को यहाँ पर डाउट है? नो सर। नहीं है। अब आप जानते हो कि सर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये रहेगा सर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव रूट टू बराबर जीरो। अब आप हमें ये बताइए भाई एक्स स्क्वायर और एक्स में तो एक्स कॉमन है ही है, बोलो है कि नहीं बच्चे? आपको भी सर एक्स स्क्वायर और एक्स में तो एक्स कॉमन है ही है। बाकी सर हम जानते हैं कि सर रूट टू की गुणा अगर रूट टू में करते हैं तो दो आता है, यानी कि सर अगर हम लोग क्या कर देंगे बच्चे, दो को रूट दो से भाग कर देंगे तो हमारे पास में रूट दो आ जाएगा। अगर आप दो को रूट दो से भाग कर दोगे तो रूट दो आ जाएगा, यानी कि सर हमारे पास में यहाँ रूट दो है और यहाँ पर दो है, तो सर इन दोनों के अंदर रूट टू कॉमन है। और सर क्या कॉमन है हमारे पास में? सर एक्स कॉमन है। बचेगा कितना बच्चे? रूट टू एक्स से रूट टू एक्स स्क्वायर को भाग कर दोगे तो हमारे पास में एक्स बचेगा। सर हमारे पास में रूट टू कॉमन निकल चुका है तो रूट टू बचेगा, और सर एक्स कॉमन निकल लग गया तो कुछ नहीं बचेगा। भाई इन दोनों में पांच कॉमन है, आपने पांच कॉमन निकाल लिया, बचा कितना हमारे पास में? एक्स प्लस रूट टू बराबर जीरो। मेरा यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे किसी को? ना सर। यहाँ भी कोई डाउट नहीं है। अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर एक्स प्लस रूट टू यहाँ पर भी है, एक्स प्लस रूट टू यहाँ पर भी है, दोनों में से ही एक्स प्लस रूट टू को कॉमन निकाल लो तो कितना बचेगा बच्चे? रूट टू एक्स प्लस फाइव, कितना बच जाएगा? बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आप क्या करोगे बच्चे? अब आप कहोगे कि सर एक बार तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस रूट टू को जीरो के बराबर पुट कर देंगे तो सर एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के रूट टू, और एक बार हम क्या करेंगे रूट टू एक्स प्लस फाइव को जीरो के बराबर पुट करेंगे तो सर रूट टू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के फाइव, और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के फाइव अपॉन रूट टू। बताइए क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। ठीक है अभी हम इसका चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं? इसका हम चौथा क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन का चौथा पार्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चे, लिखा हुआ है टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के वन बाई एट बराबर जीरो। बच्चे आप लोग जानते हो कि सर ये बराबर जीरो है तो समीकरण है द्विघात समीकरण। बच्चे इस पूरी समीकरण को अगर हम लोग आठ से गुणा कर दें, आठ से क्यों? क्योंकि बच्चे इसके नीचे आठ है तो वो हट जाएगा, अगर चार होता तो चार से गुणा कर देते, तीन होता तो तीन से गुणा कर देते, ठीक है आठ से गुणा कर देंगे। आप लोग जानते हो आठ दुनी कितना हो गया बच्चे? आप कहोगे सर सोलह एक्स स्क्वायर माइनस, सर आठ की गुणा एक में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? आठ एक्स प्लस, और सर अगर आठ की गुणा एक बटे आठ में करेंगे तो बच्चे कट के कितना आ जाएगा? एक बराबर जीरो। पहले बताओ सभी बच्चों कितना स्टेप क्लियर है? यस सर। ठीक है अब आप लोग क्या करोगे? सर वही काम करेंगे, ए की गुणा सी में करेंगे। बच्चे सोलह एकम कितना हो गया? सोलह। अब सोलह के फैक्टर करेंगे, सर एक गुणा सोलह हमारा सोलह होता है, सर दो गुणा आठ हमारा सोलह होता है, सर चार गुणा चार हमारा सोलह होता है। अब इसके बाद में कोई और फैक्टर नहीं होता, अपने आप को रिपीट करते हैं। अब आप कहोगे सर ये प्लस का निशान बता रहा है कि प्लस करने के बाद में आठ कहाँ पर आ रहा है? बच्चे यहाँ प्लस करोगे सत्रह आ रहा है, बच्चे यहाँ प्लस करोगे दस आ रहा है, और आप यहाँ प्लस करोगे तो आठ आ रहा है, हमें तो आठ ही चाहिए। आपने लिखा सर सोलह एक्स स्क्वायर, सर ये रहा मेरा माइनस का निशान, सर मैंने आठ को कितना लिख दिया है? सर आठ को मैंने लिख दिया है चार प्लस चार, और सर ये रहा मेरा एक्स प्लस वन बराबर जीरो। कितना क्लियर हुआ सभी बच्चों को? ठीक है बच्चे अब ये आपको पता है एक्स अंदर जाएगा, ये कितना हो गया सोलह एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चे कितना हो गया फोर एक्स प्लस फोर एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब आपको पता है ब्रैकेट से पहले माइनस के निशान है तो बच्चे अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि सोलह एक्स स्क्वायर, बच्चे ये प्लस का एक्स फोर एक्स है तो ये माइनस का फोर एक्स हो गया, बच्चे ये भी प्लस का फोर एक्स है तो ये भी माइनस का फोर एक्स हो गया प्लस वन बराबर जीरो। अब आप जानते ही हो बच्चे इन दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है, आपको सर चार एक्स कॉमन है तो चार एक्स बाहर निकाला तो कितना बचेगा बच्चे? चार एक्स माइनस एक। अब आप देखो सर यहाँ चार एक्स प्लस एक लिखा हुआ है जबकि हमें तो ब्रैकेट के अंदर चार एक्स माइनस एक चाहिए। बच्चे जब आपको अपोजिट साइन चाहिए तो आप माइनस का एक कॉमन निकाल लो,
कितना बचेगा बच्चे हमारे पास है 4x माइनस 1 बराबर 3। अब आपका हो गए सर यहाँ भी 4x माइनस 1, यहाँ पे भी 4x माइनस 1। सर 4x माइनस 1 को कॉमन निकाले तो बचेगा कितना बचेगा 4x माइनस 1, कितना बच गया 4x माइनस 1, बस आंसर आ गया। अब आप क्या करोगे, पहले तो आपका हो गया सर दोनों ही बराबर है, तो सर एक काम करो किसी को भी जीरो के बराबर पुट कर दो, तो सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। और सर वो दोनों वैल्यू बराबर होगी कि सर x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 कमा 1/4। बताओ क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। किसी बच्चे कोई डाउट इसमें? सर क्या बच्चे, किसी बच्चे कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं माइक ओपन करके, वरना तो हम लोग आगे चल। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए अब ठीक है, अब बच्चे हम लोग आगे चलते हैं। देखिए 4.2 में किसी को वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं पूछनी अभी? बोलिए बच्चे। नो सर। नहीं पूछनी किसी को वर्ड प्रॉब्लम? ठीक है, तो अभी हम लोग 4.3 पर चलते हैं। 4.3 के अंदर देखिए, अच्छा ये बताइए क्या आपको पूर्ण वर्ग विधि बताई गई है बच्चे, पूर्ण वर्ग विधि स्कूल के अंदर? यस सर। ठीक है, तो बच्चे अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं 4.3 की तरफ। देखो 4.3 में हमें एक तो चीज सिखाई गई है पूर्ण वर्ग विधि। क्या चीज सिखाई गई है बच्चे? पूर्ण वर्ग विधि। शायद ज्यादा आगे आगे आ गए हम। अब 4.3 पर चलना है पेज नंबर 97। ठीक है बच्चे 4.3 क्लियर। देखो 4.3 के अंदर हम लोगों को कुछ चीजें डिस्कस करनी है, जैसे कि सभी बच्चे अपनी बुक के अंदर पहला क्वेश्चन निकाल लो और हम लोग पहले पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं आगे के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, चलिए इतना शायद सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन, अभी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चे, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो, यानी कि इसमें जो मूल है वो अस्तित्व में है, यानी कि इसके मूल है, तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चा आपको, पूर्ण वर्ग विधि बना करके इनको क्या करना है, हल करना है। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा पूर्ण वर्ग विधि किसको बोलते हैं, कैसे निकालते हैं? बोलिए। जैसे कि बच्चे हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है बच्चे हमारे यहाँ पास में यहाँ पर, बताओ कौन सा क्वेश्चन करा दे इसमें से, बताइए आप। तीसरा क्वेश्चन करा दे। हाँ बच्चे तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 4x² + 4√3x +3 बराबर 0। बच्चे आपको उसको पूर्ण वर्ग विधि, ये लिखा है ना पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको इसको हल करना है। तो बच्चे इसको कैसे हल करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, हम वो चीज देखते हैं। देखिए आप क्या करोगे बच्चे इसके अंदर, आप सबसे पहले इसके अंदर करोगे कि सर इसको करने के दो तरीके हैं पूर्ण वर्ग विधि के, हम एक ही तरीका सीखेंगे वो पूरा सीखेंगे। कैसे कि सर सबसे पहले यहाँ पर एक बनाना होता है, बताइए कितना बनाना होता है, एक। एक बनाने के लिए आप क्या करोगे, सर मान लो यहाँ पे लिखा है 4x² और मुझे सर इसको एक बनाना है, सर मुझे क्या करना है इसको 4x² को 1x² बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 4 से भाग करूंगा कि नहीं करूंगा बताइए। ठीक है, यानी कि सबसे पहला काम ये होता है कि सर जो x² का गुणांक है वो कोई भी नंबर हो सकता है 2, 3, 5, 6, 7, सर मैं पूरी इक्वेशन को उससे भाग कर दूंगा। जब आप पूरी इक्वेशन को 4 से भाग करोगे बच्चे यहाँ पर कितना जाएगा x² + आपने इसको 4 से भाग किया तो बच्चे कितना आ गया √3x + 3/4 = 0। क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, इतना सभी बच्चों को क्लियर है। अब आप लोग क्या करोगे देखिए, अब इतना करने के बाद में आप यहाँ पर x का गुणांक देखोगे, क्या देखोगे बच्चे आप x का गुणांक देखोगे, आपने कहा सर x का गुणांक है √3। अब आप √3 का क्या करोगे बच्चे, हाफ करोगे, √3 का क्या करोगे बच्चे, हाफ करोगे। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, आपने क्या करा बच्चे, आपने कहा सर √3 का मैंने हाफ किया तो कितना आ गया बच्चे मेरे पास में √3/2 आ गया, और सर मैं इसका स्क्वायर एड भी करूंगा और सर मैं इसका स्क्वायर
सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है तो बच्चे आपने क्या किया, इसमें क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट तीन एक्स प्लस तीन बटे चार। सर मैंने एक्स स्क्वायर का गुणांक देखा रूट तीन है, सर मैंने रूट तीन का आधा किया तो रूट तीन बटे दो आ गया, और सर मैंने उसका स्क्वायर ऐड भी किया और मैंने उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया, यानी कि रूट तीन का स्क्वायर ऐड भी किया और सर मैंने रूट तीन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया। कितना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे अब आप देखिए, अब आप इतना देखना इस सवाल को कि सर मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है। बच्चे मेरे पास में क्या फॉर्मूला होता है, आप कहोगे सर मेरे पास ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। सर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और सर एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, कितना होता है बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, यही होता है। तो बच्चे आप ये बताइए हमें, ये तो हो गया हमारे पास में ए स्क्वायर, बच्चे ये हो गया हमारे पास में बी स्क्वायर, क्योंकि हमेशा देखो बी स्क्वायर प्लस में है कि नहीं बच्चे, बताइए भाई हमेशा लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर। और सर ये रहा हमारा, यानी कि सर हमें पहली टर्म मिल गई, हमें दूसरी टर्म मिल गई, और तीसरी टर्म बच्चे अगर हमारा प्लस ए बी है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बनेगा, और अगर सर हमारा माइनस ए बी तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि बच्चे ये क्या है हमारे पास में, आपने कहा सर ये है हमारे पास में कौन सी टर्म, टू ए बी वाली टर्म, क्या है टू ए बी वाली टर्म। तो बच्चे हमारे पास में एक सूत्र बन गया एक्स प्लस रूट तीन बटे दो का होल स्क्वायर। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को कि ये पहली टर्म बच्चे, दूसरी टर्म और बच्चे प्लस का स्क्वायर वाली तीसरी टर्म, ये तीनों टर्म मिलकर आपके बना लेंगे एक्स प्लस रूट तीन का स्क्वायर। बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं बच्चे, इसका स्क्वायर अगर आप खोलोगे तो क्या पाओगे भाई, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है सर, ए स्क्वायर प्लस सर बी स्क्वायर प्लस सर टू इंटू सर ए इंटू बी। तो बताओ यही चीज लिखी नहीं लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस रूट तीन का स्क्वायर प्लस एक्स रूट तीन लिखा है, नहीं लिखा है? यस सर। यानी कि आपने कहा सर इतना तो समझ में आ गया कि ये तीन टर्म तो इस्तेमाल हो चुके हैं, यानी कि सर ये तीन टर्म तुम्हारी क्या हो चुके हैं, इस्तेमाल हो चुके हैं। कौन सी तीन टर्म, जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ, क्लियर? अब सर हमारे पास में बचा कौन है, सर एक तो हमारे पास में बच रहा है प्लस के तीन बटा चार, और सर एक बच रहा है माइनस के रूट तीन बटे दो का स्क्वायर बराबर जीरो। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग, इसको क्या कर लेते हैं हल। आपने कहा सर एक्स प्लस रूट तीन बटे दो का स्क्वायर तो ये रहा प्लस तीन बटा चार। एक काम करते हैं सर, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, इसको क्या कर लेते हैं सर दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो दूसरी तरफ ले जाके कितना लिखेंगे बच्चे, जो माइनस वाली चीज है सर वो तो प्लस हो जाएगी, और जो सर प्लस वाली चीज है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? नो सर। देखो किसी भी बच्चे को अगर यहाँ तक डाउट है तो पहले आप लोग यहीं तक डाउट पूछ लो, ताकि फिर पूरा क्वेश्चन रिपीट ना करना पड़े, सिर्फ इतना ही करना पड़े। कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है। अगर किसी बच्चे को आप माइक ओपन करके पूछ लो अगर कोई डाउट है, वैसे तो कोई टाइप नहीं करना है बट फिर भी आप पूछ लो। देखिए अब आप कहोगे सर ये कितना हो गया हमारे पास में, एक्स प्लस रूट तीन बटे दो का स्क्वायर बराबर। अब क्या करेंगे सर, रूट तीन बटे दो का स्क्वायर कितना होगा, आपने कहा सर रूट तीन का स्क्वायर तो हमारे पास में कितना होगा बच्चे, तीन होगा, और सर दो का स्क्वायर कितना होगा, चार होगा, माइनस तीन बटे चार कट के कितना आ गया बच्चे, जीरो। यानी कि एक्स प्लस रूट तीन बटे दो का स्क्वायर कितना आ गया, जीरो। अब आप लिखोगे दोनों तरफ रूट लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लोगे बच्चे तो एक्स प्लस रूट तीन बटे दो का वर्गमूल लिया आपने, इसके स्क्वायर का वर्गमूल लिया, और बच्चे जब आप जीरो का वर्गमूल लोगे तो जीरो आ जाएगा, इससे कट गया। यानी कि आपको यहाँ प्लस माइनस का निशान लगाना होता है, यानी कि आपने कहा सर एक्स प्लस रूट तीन बटे दो बराबर प्लस माइनस जीरो, और आप कहोगे सर एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास में, बताइए बच्चे कितना आ गया, माइनस के रूट तीन बटे दो। बताओ इतना क्लियर है सभी को? यानी कि आप कहोगे सर एक्स बराबर माइनस के रूट तीन बटे दो, और दोनों ही यानी कि आपके पास में क्या है, दो मूल होंगे और दोनों ही क्या होंगे, बराबर। क्लियर हो सकता है, देखो कुछ बच्चों को क्लियर हो गया, ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए हो। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ना, हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि उन बच्चों को समझ में आ जाए। देखिए बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है चौथा सवाल अब हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लिखा है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर बराबर जीरो। भाई सबसे पहला काम क्या होता है, आप कहोगे सर सबसे पहला काम आपने अभी बताया था सर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाना होता है। तो बच्चे आप पूरी इक्वेशन को क्या कर दोगे, दो से भाग। जब आप इसे दो से भाग करोगे
बच्चे एक्स स्क्वायर आएगा। जब आप इसे दो से भाग करोगे बच्चे एक बटे दो एक्स आएगा, और जब आप इसे दो से भाग करोगे तो बच्चे दो आएगा बराबर। बताओ इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। ठीक है, फिर आपने कहा था सर जो एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक है सर हम इसका हाफ करेंगे। सर एक्स का गुणांक है एक बटे दो और सर हम इसका भी आधा करेंगे। बच्चे बताओ कितना आ गया? एक बटे चार। यानी कि आपने कहा सर जो भी लिखा हुआ है उसको लिखे रहने दो, बट सर दोनों तरफ आपने एक बटे चार का स्क्वायर जोड़ना भी है और हमें घटाना है। बताओ इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब आप हमें तीन 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 टर्म को देखिए बच्चे। एक तो ये वाली टर्म हो गई एक, एक ये वाली टर्म हो गई दो, और बच्चे एक ये वाली टर्म हो गई तीन। ठीक है, तीनों टर्म को देखो तो ये बनेगा बच्चे हमारे पास में एक्स प्लस एक बटे चार का होल स्क्वायर। बच्चे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब हमारे पास में कौन बचा सर? एक तो बचा प्लस के दो और एक बचा सर माइनस के एक बटे चार का स्क्वायर बना। अब आप क्या करोगे? आपका फिर से वही काम है बच्चे, आप इनको दूसरी तरफ ले जाओ। यानी कि आप इसको ऐसे लिख दोगे कुछ कि सर एक्स प्लस एक बटे चार का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा? जो माइनस का है तो बच्चे वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा। क्लियर इतना? यस सर। का यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है तो एक बार हमें बताइए। सर कोई डाउट नहीं है? एक बार सवाल देख लो, शायद सवाल हमने सही लिखा था या गलत लिखा है बच्चे, शायद हमने गलत लिख दिया सवाल, अभी हम बुक के अंदर देख पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, यानी कि सबसे पहला काम आपने इसको दो से भाग किया तो सर ये एक्स स्क्वायर हो गया, दो से भाग किया तो सर एक बटे दो एक्स हो गया, दो से भाग किया तो प्लस दो हो गया बराबर जीरो हो गया। सर इसके बाद क्या करेंगे? हम एक्स का जो भी गुणांक होगा इसका आधा करेंगे, और सर आधा करने के बाद जो भी संख्या आएगी इसको इसके स्क्वायर को ऐड करेंगे और सर इसके स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद हम लोग करेंगे कि सर ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा दो एक्स और प्लस एक बटे चार का स्क्वायर, यानी कि तीन टर्म तो हमारे हो गए खत्म क्योंकि ये एक्स प्लस एक बटे चार का स्क्वायर बन गया। सर प्लस के हमारे पास में दो बचा है और बचा है सर माइनस के एक बटे चार का स्क्वायर बराबर छः। ठीक है बच्चे, अब आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। देखिए आपको यहाँ से करने के बाद करने के लिए दो तरीके बच्चे, कैसे कर सकते हो? एक तो बच्चे आप इसको यहीं पर ही सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व कर ले? सर इस तरीके से, ये तो बन गया हमारे पास में कितना x प्लस एक बटे चार का स्क्वायर, बच्चे ये दो है तो आपने इसको लिखा प्लस के दो और ये कितना है माइनस के एक बटे सोलह बराबर जीरो। क्लियर बच्चे सभी को? यस सर। लेकिन पर बच्चे जहां तक हम लोग हम देख पा रहे हैं इसमें कोई गड़बड़ी तो है नहीं, लेकिन पर आप देखो ये माइनस में आ रहा है सॉल्व करके प्लस में आ रहा है, दूसरी तरफ जाके तो ये माइनस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चे? दूसरी तरफ जाके माइनस हो रहा है। एक बार चलो इसको सोल्व करते हैं जैसे भी हो पा रहा है। देखिए जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो बच्चे ये कितना हो जाएगा कि x प्लस एक बटे चार का स्क्वायर प्लस, बच्चे इसको सोल्व करेंगे तो 16 एलसीएम आ गया हमारे पास में। भाई एक से भाग करेंगे 16 दूनी कितना हो गया बच्चे 32, माइनस कितना आ गया हमारे पास में एक बराबर जी। क्लियर? तो ये कितना बन जाएगा बच्चे हमारे पास में? आपने कहा सर ये बन जाएगा x प्लस एक बटे चार का स्क्वायर प्लस 31 बटा 16 बराबर जीरो। क्लियर बच्चे? यस सर। या तो इसके अंदर सवाल के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, एक बार हम तो चेक कर लेते हैं। भाई ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर जीरो, आपने इसको पहले एक बनाया तो सर ये बन गया हमारे पास में ये प्लस एक बटे दो एक्स प्लस 4 बटे दो का दो हो गया। अब आपने क्या किया सर? x के कोफिशियंट का आधा किया, सर एक बटे चार आ गया और एक बटे चार का स्क्वायर आपने एड स्क्वायर एड भी किया और आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है, यहाँ भी सोल्व ये वाली चीज और बच्चे हमारी ये वाली चीज क्या हुई सॉर्ट आउट हो गई x प्लस एक बटे चार के स्क्वायर। अब हमारे पास में बच गए प्लस के दो ये रहा और माइनस के एक बटे चार का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया प्लस के दो माइनस के बटे चार के स्क्वायर कितना हो गया बच्चे? देखो यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है। हाँ बच्चे कोई बच्चा बताएगा क्या इसमें कोई डाउट दिख रहा है क्या? आई तो कम करके सर स्टेटमेंट ही गलत लिख दी थी आपने। क्या चीज स्टेटमेंट सर? एक्स माइनस फोर है। एक्स माइनस फोर, एक बार हम देख लेते हैं कौन सा था ये बच्चे। फोर पॉइंट
नहीं बच्चे, चौथा सवाल था उसमें एक्स प्लस फोर है, देखो नीचे वाले चौथे वाले सवाल में है कि नहीं एक्स प्लस फोर, बताइए। यस सर, यस सर। हाँ तो हाँ बच्चे कौन बोल रहे, तो बताइए माइक ओपन करके। बोलिए बच्चे। आवाज आ रही है ना सभी बच्चों को? देखिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं सवाल को। हाँ बच्चे एक बार फिर से देख लेते हैं इसके अंदर, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ से बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर एक बार देखो भाई, इसी क्वेश्चन के अंदर, इन वाले क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि सीख लेते हैं करना कैसे होता है। देखो अगर हमारे पास सवाल लिखा है 2x² - 5x + 3, बच्चे अगर हमें इसे सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, क्या करना है इसे हमें सोल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, तो हम लोग क्या करेंगे? देखो सबसे पहला काम बच्चे वही होता है हमारे पास में कि हम इसको क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। पहले इस सवाल के अंदर देख लेते हैं, देखो इसको 2 से भाग करोगे तो कितना जाएगा बच्चे, x² - 5/2x + 3/2 = 0, यानी कि आपने क्या कर दिया इसका कोफिशियंट यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बना लिया, 1 बना। अब आप कहोगे सर एक्स का गुणांक कितना, आप कहोगे सर एक्स का गुणांक है 5/2। सर हम इसको आधा करेंगे तो कितना आ गया 5/4, कितना आ गया बच्चे 5/4, यानी कि अब आप कहोगे कि सर x² - 5/2x + 3/2, और सर हम 5/4 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और 5/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अगर देखा जाए सर ये वाली टर्म जिस पर आपने स्टार लगाया है, सर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तीन टर्म मिलकर के आपका क्या बना लेंगे बच्चे, एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर में। क्यों माइनस क्यों? क्योंकि बच्चे ये वाली चीज हमें बताती है माइनस आएगा, ठीक है। अब हमारे पास में कितना बचा, अब आप कहोगे सर हमारे पास में प्लस के तो 3/2 बचा और माइनस के 5/4 का स्क्वायर बचा। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, आपने कहा सर जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स माइनस 5/4 का स्क्वायर बराबर, बच्चे इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 3/2 माइनस सर कितना आ गया 25/16। सर इसको सोल्व करा तो हमारे पास में कितना आ गया एलसीएम 16, ये कितना आ गया सर 24 माइनस 25/16, सर ये भी 0 के बराबर था। तो सर इसको जब हम आगे लिखेंगे तो सर इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे एक्स माइनस 5/4 का स्क्वायर, सर इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास में माइनस के 1/16 बच जाएगा बराबर 0, और आप लोग जानते हैं 1/16 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1/16, यानी कि एक्स माइनस 5/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, जब आप दोनों तरफ वर्गमूल ले लोगे तो x माइनस 5/4 की वैल्यू कितनी जाएगी प्लस माइनस 1/4। 1/4 क्यों? क्योंकि जब आप 1/16 का वर्गमूल लोगे तो बच्चे कितना जाएगा 1/4, और प्लस माइनस क्यों? क्योंकि आपने 2 वाली पावर को हटाया, आपने कहा सर x माइनस 5/4 की वैल्यू एक बार तो हमने ले ली 1/4 और x माइनस 5/4 की ले ली एक बार माइनस के 1/4। अब ये तो इधर आके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे 6/4, और ये इधर आके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा बच्चे 4/4। इतना क्लियर है सभी को? ये 1 आएगा और ये 3/2 आएगा। यस सर। बच्चे यही चीज हमें दूसरे सवाल में भी करनी थी जिसमें हमारा आंसर अभी नहीं आ रहा था, ठीक है। अब फिर से एक बार उसको ट्राई करेंगे जरूर। देखिए सवाल था हमारा कुछ इस तरीके से कि सर 2x², क्या सवाल था बच्चे, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं क्योंकि यही होती है हमारे पास में कौन सी विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। देखिए लिखा हुआ है बच्चे 2x² + x + 4 = 0। आपने कहा सर सबसे पहला काम सर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे, तो सर पूरी इक्वेशन को 2 से भाग करेंगे तो x² + x/2 + 2 = 0, क्या इतना से बच्चों को क्लियर है? यस सर। अब आप लोग क्या करोगे बच्चे, अब आप करोगे सर ये जो x का गुणांक है भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना x² + 1/2x + 2 = 0, सर x का गुणांक कितना है 1/2, तो सर हम 1/2 का आधा करेंगे तो बच्चे कितना हो गया 1/4, यानी कि आप कहोगे कि सर 1/4 का स्क्वायर इधर ऐड भी करेंगे
और एक बटे चार का स्क्वायर सर हम घटाएंगे भी। बताओ इतना क्लियर है सभी को? हाँ बच्चे बताइए, यहाँ तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, अब आप क्या करोगे सर, आपने कहा सर ये वाली टर्म, सर ये वाली टर्म और सर ये वाली टर्म, ये तीन टर्म मिलकर सर ये प्लस का साइन है, तो सर एक्स प्लस एक बटा चार का स्क्वायर बना दे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? बच्चे हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा है सर प्लस के दो और बचा सर माइनस के एक बटे चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, एक बटे सोलह बराबर जी। बच्चे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 16 तो आएगा एलसीएम और सर यहाँ पर आएगा 32 माइनस एक बराबर जी। बच्चे इसके अंदर ना कुछ प्रॉब्लम है, एक बार आप लोग चेक कर लेना। हमें लग रहा है कि शायद ये गलती से मिसप्रिंट है सवाल, आप ये चेक कर लें ठीक है, क्योंकि सवाल अगर लिखा है कि इसके मूल अस्तित्व है तो बच्चे इसका आंसर आ जाता, बट लग रहा है कि इसकी मिसप्रिंट हो गई है क्वेश्चन की। ठीक है, हम एक बार चेक करके बता दे रहे हैं आपको एक्सरसाइज 4.3 का आंसर से, शायद ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। हाँ बच्चे इसमें देखो चौथे का आंसर अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा है अस्तित्व नहीं है, और जबकि सवाल में लिखा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं है इसलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आप एनसीईआरटी की बुक में आप क्या देख सकते हो, पीछे की एक्सरसाइज में आंसर देखोगे तो वहां पर लिखा है अस्तित्व नहीं है, जबकि स्टेटमेंट में इन लोगों ने लिख रखा अस्तित्व हो तो। ये बच्चे स्टेटमेंट की गलती है, समझ में आ गया आपको, यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है ही नहीं। ठीक है, क्लियर बच्चे? चलिए आप लोग एक बार माइक बंद कीजिए, अगर पूर्ण वर्ग विधि में कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, वरना तो हम लोग आगे चलते हैं, एक सवाल और सिखा देते हैं आप। ठीक है, चलिए सर बच्चे ध्यान से देखिए, अभी हम एनसीईआरटी की बुक में किस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, हम बच्चे एनसीईआरटी की बुक में डिस्कशन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज निकाल लीजिए 4.4, आप लोग एक्सरसाइज निकाल लीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4 में। देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो ना आप लोग? अच्छा ठीक है, तो बच्चे इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप लोगों को ये चेक करना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स प्लस के फाइव, अगर आप इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना चाहते हो तो आपने कहा सर ये मेरा a है भाई, अगर मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से सर कंपेयर करूं तो बच्चे बताओ a का मान कितना है, आपने कहा सर a का मान है दो, b का मान कितना है बच्चे, b का मान है माइनस के तीन, c का मान कितना है पांच, बच्चे b का मान कितना है माइनस के तीन, इतना क्लियर है ना, b का मान कितना है माइनस के तीन। ठीक है, अब आप सबसे पहले निकालोगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान, बच्चे बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपने कहा सर बी का स्क्वायर का मतलब है तीन का माइनस के तीन का स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए का मतलब है टू और सी का मतलब है फाइव, सर माइनस के तीन का स्क्वायर कितना होगा, सर माइनस के तीन गुणा माइनस के तीन, आप जानते हैं सर माइनस गुणा माइनस में करेंगे प्लस, तीन गुणा तीन में करेंगे नौ, माइनस सर ये कितना हो गया चार दुनी आठ पंजे चालीस, और सर ये हमारे पास में कितना आ गया माइनस के इकतीस। बताओ इतना क्लियर है सभी को, कि भाई नौ में से चालीस घटाओगे, आपने कहा सर नौ में से चालीस जाएंगे तुम्हारा आंसर माइनस के इकतीस आएगा, बताओ इतना क्लियर सभी को? हाँ, तो आप कहोगे क्या कहोगे कि अगर सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जीरो से कम है, ये जीरो से कम है कि नहीं माइनस के इकतीस, आप कहोगे सर ये जीरो से कम है, और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से कम होती है तो आप कहोगे सर इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता, यानी कि इसको आगे सोल्व भी नहीं करना। ठीक है बच्चे, अब देखो दूसरा सवाल देखो इसी को जल्दी से सेकेंड पार्ट, जब आप इसका सेकंड पार्ट देखोगे तो इसमें लिखा हुआ बच्चे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस चार रूट तीन एक्स प्लस चार बराबर जीरो, बच्चे सबसे पहला वही काम, ए की वैल्यू कितनी आप कहोगे तीन, बी की वैल्यू कितनी माइनस के चार रूट तीन, सर सी की वैल्यू कितनी चार, इतना क्लियर सभी को? आपने कहा सर पहले निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सर बी स्क्वायर का मतलब क्या है सर माइनस के चार रूट तीन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मतलब है तीन और सी का मतलब है चार, क्लियर सभी को? भाई माइनस के चार रूट तीन की गुणा माइनस के चार रूट तीन में करोगे सर माइनस गुणा माइनस में करेंगे प्लस,
सर चार की गुणा चार में करेंगे 16 और रूट तीन की गुणा रूट तीन में करेंगे तो 3, कितना हो गया बच्चे 48 माइनस, ये कितना हो गया 4 चौक 16 या 48, और बच्चे 48 में 48 घटाएंगे 0, यानी कि आपने कहा सर बी स्क्वायर माइनस 4 एसी की वैल्यू 0 है, और जब बी स्क्वायर माइनस 4 एसी की वैल्यू बच्चे 0 होती है, बच्चे रूट एग्जिस्ट करते हैं यानी कि रूट होते हैं। अब आपको इसके रूट बताने हैं कि रूट क्या होंगे। अब बच्चे आपको यानी कि इसके क्या बताने हैं, मूल बताने हैं। अच्छा आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में सुना है ना, बताइए एक बार, बोलिए बच्चे। यस सर। बोलिए क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए बच्चे फॉर्मूला क्या होता है। क्या आप सभी ने द्विघात समीकरण का मूल का जो सूत्र होता है श्रीधरेचार्य का सूत्र, वो अपने पढ़ रखा है ना बच्चे, वो होता क्या है? आप कहोगे सर वो होता है हमारे पास में कि मूल बराबर यानी कि सर x बराबर क्या होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र जब ही लगता है बच्चे जब आपने अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो निकाली थी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, जैसे यहाँ पे 0 आ रही थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही थी, बच्चे ये सूत्र हम लगा सकते हैं क्योंकि ये सूत्र जब लगता है जब इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, माइनस वैल्यू पे नहीं लगता। आपने कहा सर माइनस के बी, सर बी कितना है मेरे पास में, आप कहोगे सर बी की वैल्यू थी माइनस के 4√3। अगर सर मैं माइनस के बी लूंगा तो बच्चे कितना हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, बच्चे इसकी वैल्यू कितनी आई थी अभी 0 आई थी बटे 2a, यानी कि आपने कहा सर 4√3 अपॉन सर 2 की गुणा मैंने a के साथ, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 3, तो सर मेरा आंसर आ गया 4√3 बटे 6 यानी कि सर 2√3 बटे 3, और सर मेरी x की दो वैल्यू है यही वैल्यू है। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? सर ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो हम एक बार और सीख लेते हैं कि हमें कैसे ये सूत्र लगाना है। जैसे कि सर हम एक सवाल देख पा रहे हैं 2x² माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0। बच्चे सबसे पहले इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, बच्चे कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब है 2, सी का मतलब है 3, सर 6 का स्क्वायर 36 हो गया माइनस 4 दुनी 8 से 24 हो गया, सर घटाए तो मेरे पास में 12 आ गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा 12 है। तो सर मैं इसको आगे कैसे सोल्व करूंगा, यानी कि सर मेरे पास में एक चीज बनकर आ गई है कि सर मैं इसको ऐसे सोल्व करूंगा कि सर सीधा सीधा लिखूंगा x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक बच्चे, माइनस बी का मतलब कितना है बच्चे 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी निकला था सर कितना रहा था 12 बटे 2a, सर 2a की मतलब कितना है 4। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? ठीक है बच्चे, आप रूट 12 को कितना लिख सकते हैं, आपने कहा सर 6 प्लस माइनस, भाई 12 को कितना लिख सकते हैं 4 या 12 और 2 बाहर आ जाएगा यानी कि 2√3 बटे 4, और आप लोग जानते हैं इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा तो कितना जाएगा सर 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। कितना क्लियर है सभी को? भाई ऊपर से अगर आप लोगों ने 2 कॉमन निकाल लिया ये 3 बचेगा ये 1 बचेगा, 2 कॉमन निकाल लिया ना और इससे काटोगे तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर सभी को? यानी कि आपका आंसर है 3 प्लस √3 बटे 2 और सर 3 माइनस √3 बटे 2। क्लियर बच्चे? यस सर। यस सर। अगर आपका कोई डाउट है 4.1, 2, 3, 4 में से तो आप लोग पूछ सकते हो जल्दी से यदि, या फिर हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, एक्सरसाइज 4.4 से, एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। भाई दो बराबर मूल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, याद कर लेना जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है तो दो बराबर मूल होते हैं। बच्चे सवाल है हमारे पास में 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। बच्चे आपको इस समीकरण के दो बराबर मूल बनाने हैं तो आप क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के पुट कर दोगे। भाई बी कितना है इसमें, आपको सर बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी k, यानी कि सर k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सर a की वैल्यू कितनी है 2 और सर c की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर, यानी कि के स्क्वायर माइनस 4, भाई 4 दुनी 8 से 24, यानी कि सर ये बराबर 0, और आप लोग जानते हो सर के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 24 होगी क्योंकि ये इधर आके प्लस हो जाएगा। आपने कहा सर के स्क्वायर की वैल्यू 24 है तो बच्चे बताओ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस रूट 24।
आपसे के की वैल्यू पूछी गई थी और आप इसे कितना लिख सकते हो बच्चे, यानी कि आप इसे लिख सकते हो 2√6। कितना लिख सकते हो बच्चे आप इसे 2√6। क्लियर सभी को? यस यस सर। ऐसे ही इसमें एक और सवाल है और उस सवाल को हम कैसे करेंगे बच्चे, उसमें भी के का मान पूछा गया है, लिखा है के एक्स एक्स माइनस टू प्लस छः बराबर। आप पहले के एक्स के अंदर गुणा कर लो, भाई कितना आ गया के एक्स स्क्वायर, कितना आ गया माइनस के टू के एक्स प्लस छः बराबर जीरो। बच्चे हमें निकालना क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर कट रहा है जीरो के। आपने कहा सर बी स्क्वायर कितना है, आपने कहा सर बी स्क्वायर है माइनस के टू के स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू के की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू कितनी बच्चे छः, यानी कि सर ये हो गया 4k² - 24k बराबर जीरो। बच्चे इसमें 4k पहले से कॉमन है, 4k को कॉमन निकालो तो कितना बचेगा हमारे पास में बच्चे k माइनस छः बराबर जीरो, यानी कि इसमें k की दो वैल्यू आएगी, या तो 4k बराबर जीरो यानी कि k की वैल्यू जीरो आ जाएगी, या फिर आपने कहा k माइनस छः बराबर जीरो, या फिर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यानी कि इन दोनों वैल्यू के लिए आप कह सकते हो कि आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चे, यानी कि k की दो वैल्यू जीरो भी और k की कितनी वैल्यू 6 भी। और बच्चे इसमें k की वैल्यू जीरो तो कभी हो ही नहीं सकती ना, यानी कि वैल्यू हट जाएगी, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई 6। आंसर कितना है बच्चे, k की वैल्यू हमारे पास में क्या है 6, क्योंकि आप लोगों को पता है सर यहाँ पर k की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, k की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो सर ये हमारे पास में क्या नहीं बचेगा, सर ये हमारे पास में द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगा। क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगर आपका कोई डाउट है पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे फिर आप